पांच राज्यों में चुनाव परिणाम ने सारे मिथक को तोड़ दिया है और वहीं कई लोगों के जुबान पर ताला भी लग गए हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जो लगातार चर्चा में थे और कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार के लिए अलग अलग राजनीतिक दल एक्ट कर रहे हैं, वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नीतीश कुमार एक प्रबल विकल्प और दावेदार हो सकते हैं। लेकिन अचानक से जिस तरह से चुनाव परिणाम आए उसने सारे कहानियों को अलग दिशा दे दिया है। इस कहानी का क्लाइमेक्स कुछ और होना था जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाएगा, इसके दावे भी किए जा रहे थे। लेकिन जब एग्जिट पोल आए तो सभी के होश उड़ गए थे। एग्जिट पोल में ये बताया जा रहा था स्पष्ट तरीके से कि 240 से अधिक सीटें किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को ये सीटें आई उसको लेकर के अनुमान शायद किसी को नहीं था। लेकिन जिस तरह से एक नए वोट वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है, वो वोट वर्ग बिना कुछ कहे साइलेंटली वोट करता है और दूसरी तरफ विपक्ष के वोटर मुखर होते हैं। इससे अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सी रणनीति बनी है। उसी रणनीति के तहत नीतीश कुमार ने अब शायद ये समझ लिया है कि उनके लिए उचित क्या होगा। चार राज्यों में मिली जीत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा को बधाई दी, वहीं पंजाब में सफलता के लिए आम आदमी पार्टी को भी बधाई देने से वो पीछे नहीं हटे। साथ ही आपको बता दें कि मणिपुर में जदयू की 6 सीटों पर जीत के लिए शानदार बधाई देते हुए नीतीश कुमार ने एक डेग तो आगे जरूर बढ़ाया है। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि लगातार अपने जो सांसद हैं उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने पर बधाई नहीं देते हों, वो नीतीश कुमार जब बधाई देने लगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मामले को समझना चाहिए। विपक्षी एकता को लेकर के नीतीश कुमार वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में और परिणाम आने के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से चिंतन की अवस्था में आ गए हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में जदयू की 6 सीटों पर जीत को लेकर के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने जदयू के विजय उम्मीदवारों को समर्पित कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई दी। और मणिपुर एक और राज्य है जहां नीतीश कुमार ने पैर पसार लिया है। इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने 6-7 सीटें जीती थी, लेकिन उसके परिणाम क्या हुए आप सभी जानते हैं। मणिपुर में भी जनता की सेवा करने का उन्हें अवसर मिला है, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो दावे थे वो दावे कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा में भाजपा की शानदार जीत पर उन्होंने बधाई दी है और नरेंद्र मोदी पर विश्वास प्रकट करते हुए भाजपा को पुनः मौका दिया है, ये बातें कही है। नीतीश कुमार ने आम आदमी पार्टी को भी पंजाब में मिली सफलता के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को बधाई दी है। और इसके साथ ही अब एक बात समझ में आ गई है कि विपक्षी एकता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है। लेकिन इस चिंता में अब नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एक्ट करेगी। हालांकि पहल तो नीतीश कुमार ने कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अपने साथ नीतीश कुमार को पूरे मनोयोग से मान रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं नजर आ रही है। भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यदि भारत लाइव को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भीतर खाने से निकालकर खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं और इसी के लिए जाने भी जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।